दाल तो आपने हमेशा बनाई होगी अपने तरीके से लेकिन इस तरीके से एक बार दाल ट्राई करें आपकी दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपको एकदम ढाबे की याद आ जाएगी इस दाल को खा के क्योंकि ये दाल वैसे ही बनेगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आज की दाल हम बनाएंगे इन दो दाल से ये है चने की दाल जिसे मैंने एक कप लिया है और वन फोर्थ कप लिया है मसूर की दाल ये रेड वाली मसूर की दाल है इन दोनों को हम मिक्स करके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी इन्हें मैंने आधे घंटे के लिए ना पानी में भिगो के रखा हुआ है इसके बाद दाल को हम अच्छे से धो के सीधा कुकर में डाल देते हैं और साथ ही में ये मसूर वाली दाल भी डाल देते हैं इन दोनों को मिक्स करके आप बनाएं बहुत टेस्टी लगती है इसके बाद आपको ये टमाटर डाल देना है टमाटर आपको ज़्यादा काटना नहीं है सिर्फ इसका डंठल निकाल के और सिर्फ आपको टमाटर के दो हिस्से करने हैं और सीधा इन्हें डाल देना है कोशिश करें कि टमाटर ये लाल वाले और सॉफ्ट वाले इस्तेमाल करें दाल के लिए साथ ही में मैंने एक छोटे इज की प्याज ली है इसे भी मैंने दो हिस्से करके डाल दिया है छील के और दो हरी मिर्ची ली है जिसे मैंने चीरा लगा के डाला है साथ ही में लहसुन डाल देते हैं चार से पांच लहसुन की कलियां और कैप्सिकम डाल देते हैं आपको लग रहा होगा दाल में कैप्सिकम शिमला मिर्च हम डाल रहे हैं लेकिन आप यकीन मानिए इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लेकिन आपको ज्यादा नहीं डालनी है थोड़ी सी डालनी है लगभग एक बड़ा चम्मच छोटे छोटे पीसेस में कैप्सिकम डालें इसके बाद आपको पानी डालना है अब हमने यहाँ पे चने की डाल ली है तो चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है पकने में तो यहाँ पर हम तीन कप पानी डालेंगे और दाल की क्वांटिटी भी ज्यादा है तो इसके बाद आपको डालना है मसाला मसाले में सिर्फ हल्दी डालने वाले हैं हम और थोड़ी सी बस नाम के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में थोड़ा सा ही जीरा पाउडर डालेंगे आप देखिए कितना थोड़ा सा है बस मेन इसमें इस हल्दी ही गई है क्योंकि हल्दी की वजह से बहुत अच्छा कलर आता है दाल का तो हल्दी आप ज़्यादा डालें तो हम क्या करते हैं इसमें एक चम्मच जितना घी डाल देते हैं घी डालने की वजह से जब हम इसमें सीटियाँ लगाएंगे ना तो दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है प्लस क्या होता है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है अब आपको इसमें चम्मच नहीं चलाना है आपको कुकर को हल्का सा ऐसे शेक सा कर देना है इससे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और फिर इसमें सीटियाँ लगेंगी तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा तो बस हल्का सा ही कुकर को आपको हिला देना है और इसमें चार से पाँच सीटियाँ लगानी है गैस को मीडियम कर दें हाई फ्लेम पर नहीं लगाएं ध्यान रखें हमने इसमें चने की दाल डाली है तो थोड़ा टाइम लेती है इसलिए मैंने सीटी भी ज़्यादा लगाई है मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये देखिए प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है और इसका जब प्रेशर पूरा निकल जाए उसके बाद ही चेक करें ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है एक तरीके से बॉईल हो चुकी है और चना की दाल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और ये देखिए चना की दाल में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल घुट गई है इसमें आपको अच्छे से विजिबल भी हो रहा है कि चना की दाल है अब आपको तड़का तैयार करना है तो तड़के के लिए हमें घी लेना है एक दो बड़े चम्मच आप घी ले लिया ऑयल में भी लगा सकते हैं फिर आपको डाल देना है इसमें जीरा अब ये ढाबा स्टाइल बन रही है ना तो तड़का भी हम वैसी लगाएंगे लाल मिर्ची डाल देते हैं सूखी वाली और लहसुन डाल देते हैं लहसुन को मैंने थोड़ा बारीक काटा है जैसे ढाबा में मिलता है तो लहसुन को हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं लहसुन के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करें इसके बाद हमें लास्ट में कुछ चीज़ें डालनी है जो हमें एकदम लास्ट में डालेंगे ताकि हमारा ये जो तड़का है वो जले नहीं आपको हींग डालनी है एकदम लास्ट में और साथ ही में डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे क्या होगा कलर बहुत अच्छा आएगा और दिखने में दाल जो है ढाबा स्टाइल ही लगेगी अच्छे से मैंने इन्हें स्टर कर दिया घी में थोड़ा सा पका दिया इसके बाद ये जो तड़का है सीधा आपको दाल में डालना है बिना देरी करें अभी तक अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं तो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अब ये जो तड़का है आपको डाल देना है सीधा इस दाल में इसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे उससे पहले ये जो जितना भी तड़का लगा हुआ है इस पैन पर वो दाल डाल के इस तरह से दाल में ही डाल देते हैं तड़का हमने अच्छे से लगा दिया ढक्कन को बंद कर देते हैं दो मिनट के लिए ताकि तड़का का जो खुशबू है वो आ जाए इसके बाद आपको आखिरी में डालना है हरा धनिया अगर आप इसे साउथ इंडियन टच देना चाहते हैं तो तड़का में सरसों के दाने डाल सकते हैं थोड़े